वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने शेविंग चैनल दिवशेष में। नाउ टुडे द फोकस इज हाउ इफेक्टिव आर जेल बेस्ड शेविंग प्रोडक्ट्स व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल वेट शेविंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो आजकल जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिसमें प्री शेव और शेव के दौरान और इवन आफ्टर शेव या जिसको हम बोलते हैं पोस्ट शेव, उसमें ये जो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं ये कितने कारगर सिद्ध होते हैं, अगर हम एक वेट शेवर के पर्सपेक्टिव या उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मान के चले तो। सो लेट्स स्टार्ट द डेमो फर्स्ट और फिर देखते हैं कि कितना सेटिस्फाई ये आज मेरे को कर पाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट अभी मैंने स्नान किया है तो बियर्ड मेरी सॉफ्टी आइसक्रीम ही सॉफ्ट है और ये जो है ऑलमोस्ट ढाई दिन पुरानी मेरी बियर्ड है, तो जस्ट इसको मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो ब्रशलेस शेविंग, तो दैट मीन्स ये क्लियर है कि आज मैं कोई भी शेविंग ब्रश नहीं यूज करने वाला हूँ। तो ये सिमिल, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, सिमिल कंपनी है एक और उनका ये शेविंग जेल है और इसमें लिखा है इन्होंने नॉन फोमी। ऑफकोर्स शेविंग जेल्स फोम वाले भी आते हैं, मैंने आपको बीच में मैन कंपनी का एक डेमो दिया था, मगर ये नॉन फोमी शेविंग जेल और फ्रेगरेंस इसकी लेमन की है, सिट्रसी नोट्स हैं इसमें। इसके अलावा दो तीन और फ्रेग्रेंस में भी ये आता है और ये प्योरली जो है जेल है, आप देख ही सकते हो ट्रांसपेरेंट। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो जेल होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादातर बियर्ड लाइनिंग या मुस्टैच, वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं तो आपको अपने रेजर को चलाने में दिक्कत ना हो, वहाँ पर लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मगर अब कंपनियाँ क्लेम करने लगी हैं कि आप इसको अप्लाई करो और आप अपनी पूरी शेव कर सकते हो चेहरे की और विदाउट यूजिंग एनी ब्रश। तो लेट्स सी हाउ टुडेज एक्सपीरियंस। सो लेट मी अप्लाई फर्स्ट। इस जेल को मैंने प्री शेव की तरह तो यूज किया है, मगर आज पूरी तरह से जिसको कहते हैं फुल फ्लेज शेविंग आज मैं पहली बार करूंगा। क्या हम एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पतंजलि का आता है एलोवेरा जेल, आप उससे डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी, मैंने अच्छे से सिमिल जेल को अप्लाई कर लिया है अपने जितने भी बियर्ड एरिया है, ये जो टफ एरिया में भी, और एक स्लिकनेस इसने दे दी है पहले से ही, मगर वो माइंडसेट बन जाता है ना, जब तक वो झाग फोम ना हो तो कुछ मजा सा नहीं आता। सो लेट्स सी आज ये मैं अपना माइंडसेट क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक दैट्स क्वाइट एनफ, बहुत मॉइस्चराइज भी फील हो रहा है अभी और काफी स्लिक है। द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट रिक्वायर शेविंग ब्रश एंड टूडे माई रेजर इज एज यूजल पार्कर 91R और इसमें मैंने प्री रोड का रखा है जिरकॉन का ब्लेड, यू कैन सी जिरकॉन सुपर प्लेटिनम
और आज मैं इसका दूसरा यूज करने वाला हूं, तो इट विल बी सेकंड यूज। सो लेट्स सी। फर्स्ट पास एज यूजुअल विद द ग्रेन, तो आप देख सकते हो कोई झाग नहीं है, केवल जेल इकट्ठा हुआ है यहां पे। एक चीज क्या देखी मैंने, फोम के साथ ये चीज नहीं होती। फोम को जब आप रेजर ग्लाइड करते हो और फोम इकट्ठा हो जाता है आपके जो सेफ्टी प्लेट और जो हेड के बीच में, जो फोम ब्लेड के साथ जो फोम इकट्ठा होता है, जो जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो बाल आराम से निकलते हैं। ये जो है इस गैप को क्लॉग कर रहा है। तो आप देखिए, और जब मैंने उसको साफ किया तो मेरे को उसको जोर से ऐसा ऐसा करना पड़ा पानी के ऊपर, और ऐसा जो है वो क्लॉग हो गया। तो ये दिक्कत जो थी वो क्रीम के साथ, शेविंग क्रीम या सोप के जो जब हम दांत बनाते तब नहीं आई। और रेजर ग्राइंड करने में फ्रिक्शन थोड़ा सा, भले ही वो स्लिकनेस मेरे को ज़्यादा महसूस हो रही थी मगर वो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, वो स्मूथनेस नहीं थी। तो आज मैं अपने माइंडसेट को डेफिनेटली ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, बट लेट्स सी। एक पास और करते हैं। लेट मी कम टू द सेकंड पास। तो कोई भी मिथ जो होता है, मिथ तो नहीं कहूंगा, कोई भी बिलीव्स जो होते हैं वो तभी ब्रेक होते हैं जब आप उन बिलीव्स को शैटर करने की खुद कोशिश करते हो। तो आज मैं भी कभी ये मेरे पास ऑलमोस्ट 6 महीने से पड़ा था, ये मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च बिफोर लॉकडाउन मैंने इसको प्रोक्योर किया था, और मैंने 2-3 बार इसको ऐसा प्री शेव यूज किया मगर फुल शेव मैंने इससे कभी नहीं बनाई। और मेरे को इसकी प्रेरणा मिली जॉय भाई साहब जो है हमारे, उनके शेविंग वीडियो को देख के। उसमें उन्होंने शायद लॉरियल कंपनी का ही था शायद वो प्रोडक्ट यूज़ किया था। तो मैंने कहा यार एक बार जब मेरे पास भी पड़ा तो मैं भी ट्राई करता हूँ। सो दैट्स व्हाई आज जो मैं आपको ये डेमो दे रहा हूँ। चलिए लेट्स कम टू द सेकंड पास अक्रॉस द ग्रेन।
नेक एरिया, तो एफर्टलेस शेव या एफर्टलेस रेजर ग्लाइड, जी हां बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो शेविंग जेल फोम के फॉर्मेट में आते हैं, जिलेट के आपने देखे होंगे, एक अमेरिकन कंपनी एज, तो उनके जो है वो जैसे ही बाहर निकलते हैं जेल होते हैं, मगर जैसे ही आप इसको स्मेयर करते हो वो फोम में बदल जाते हैं। उसका एक्सपीरियंस इस वाले से ज्यादा बेटर रहता है। तो एक चीज क्लियर हो गई है मेरे को भैया, झाग अच्छा है, बहुत ज्यादा भी नहीं। पहले से बेटर है ये इलाका, ठीक है। यहां पे थोड़ी स्ट्रगल अभी बाकी है। नो नॉट दैट मच, यहां भी बाकी है, ट्रबल स्पॉट में बाकी है और यहां पे भी बाकी है। तो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते बिल्कुल। अगर आज करके देख लिया तो शांति भी मिली, तो एक चीज क्लियर है इसको। हाँ, प्री शेप की तरह आप यूज कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, बट एज अ फोमलेस शेविंग अगर आपको लगता है बिल्कुल ही टाइम नहीं है फटाफट वाली, तो आप कर सकते हो। अदर आई विल स्टिक टू माई ओन शेविंग रेजिमन, वो जिसमें दादर आपको बनाते हो, अप्लाइंग एलम तो भ्रांतियां ऐसी दूर होती हैं। और मैं जरूरी नहीं कि मैं ही कह रहा हूं, तो भी आप भी ट्राई करो। आपके पास अगर इस तरह के जेल हैं या आप ऑर्डर कर रहे हो, नो इश्यूज, आप ट्राई करो और फिर आप अपना मन बनाओ। हो सकता है आपको पसंद भी आए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो ही बात सही है। काम चल जाएगा। चलिए पोस्ट शेव में भी आज फिर से एक और जेल ना, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड जेल है और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है बायोटेक का। ये भी जेल है मगर ये जो एक्सपीरियंस वाकई में अच्छा देता है, और मैं इसको ज्यादातर रेनी सीजन्स में मैं इसको यूज करता हूं और काफी कूलिंग एहसास है इसका। बायोटेक आफ्टर शेव जेल, इट हैज दैट मेंथल वाली क्लासिक कूलनेस और बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा और कूलिंग का सेंसेशन आपका 4 से 5 मिनट बनता है और एक अच्छी सी आपकी जो है एक फ्रेग्रेंस रहती है 10-15 मिनट के बाद, और ये बिल्कुल फेस को कई आफ्टर शेव की तरह ऑयली बिल्कुल नहीं करता है। इट्स अ गुड जेल। सो वॉट इज माई एक्सपीरियंसिस, और आई शुड से वॉट इज माई एक्सपीरियंस विथ दिस शेविंग जेल। अब देखिए, बियर्ड लाइनिंग के लिए या मुस्टैच लाइनिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा जेल है। रीजन इज ओनली वन, क्योंकि इससे आप जो है ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको अपनी जब आप रेजर चलाते हो या उस्तरा चलाते हो तो आपको जो है लाइन्स क्लियर नजर आती है, कितना आपको कितनी जगह तक आपको उसको साफ करना है वो बियर्ड लाइन को या मुस्टैच लाइन को क्लियर नजर आएगा। बट ओवरऑल इन टोटैलिटी पूरी शेव अगर इससे किया जाए ना, नोप, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड विद इट। तो वहां तक के लिए तो चलेगा बियर्ड के लिए, मगर एज अ ट्रेडिशनल बेड शेवर आई स्टिल वॉन्ट दैट लादर और दैट आई वुड लाइक टू क्रिएट यूजिंग अ ब्रश। तो ये मेरा जो है वर्डिक्ट है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जेल। अदरवाइज
जो मैंने रेज़र आज यूज़ किया ट्राइड एंड टेस्टेड है और 91R एक लेजेंडरी रेज़र है ये, तो ये कभी भी मेरे को धोखा नहीं दे सकता। तो इसने आज भी काफ़ी अच्छा काम किया, बट क्योंकि आज जो शेविंग मीडियम था वो उस लाइक नहीं था, तो ग्लाइड वगैरह कराने में थोड़ा सा दिक्कत भी हुई और एक हल्का सा यहाँ पे मेरा हल्का सा एक कट भी बना, हल्का सा बहुत माइन्यूट। तो ब्लेड भी बहुत अच्छा है ज़िरकॉन। तो बस दोस्तों यही आपको कहना था, स्टिल आप भी ट्राई कर सकते हैं। शेविंग जेल का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है प्रचलन, और उसी तरह से अगर मैं आफ्टर शेव जेल की बात करता हूँ तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड, इसके बारे में कुछ बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देता है, स्पेशली रेनी सीजन में, और बिल्कुल आपको ये एक ठंडक का एहसास देता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ऑयली फील नहीं देता पोस्ट शेव 5-10 मिनट के बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई एम होपिंग दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, योर पेरेंट्स हेल्थ, योर फैमिली एज यूजुअल। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज मैं गुजराती में बोलता हूँ आवजो, आवजो का मतलब बाय बाय, फिर मिलेंगे। See you soon. Jai Hind.